सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी दुनिया प्राइम टाइम न्यूज़ विच देश दुनिया दीआं तमाम वड्डीआं खबरां जोश इंडिया टीवी ते। मैं हां गीता सक्सेना। सब तो पहला नजर पाउंदे हां कि की हाल अज दी मुख सुर्खी। भारत लई चिंता दा विशा, चीन तिब्बत विच बनाउण जा रहा है एक विशाल बंब। रमजान के पवित्र महीने की याद दवाण वाला चंद्रमा ऐतवार शाम सऊदी अरब दे विच नहीं जा सकया वेख्या। भारत विच कोरोना वायरस की लाख 1.52 लाख नवे केसों तो बाद देश विच इलाज अधीन मरीजों की गिनती रिकॉर्ड 11 लाख के अंकड़े नूं बंदे। कोरोना की दूजी लहर का पूरे देश दे विच खौफ, महाराष्ट्र की स्थिति सब तो वध खतरनाक। कोलकाता की टीम एक बार फिर सुपर ओवर के विच मैच जीती, शाहरुख खान ने टीम की 100वीं जीत ते दी बधाई। हुण पेश है खबरां दा विस्तार। भारत विच कोरोना वायरस की लाग दे 1.52 लाख नवे केसा तो बाद देश विच इलाज अधीन मरीजों की गिनती पहली बार 11 लाख के अंकड़े नूं पार कर गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश विच टीका उत्सव की शुरुआत की, इस नूं कोविड-19 विरुद्ध एक होर वड्डी लड़ाई की शुरुआत दस्सिया। संक्रमण के मामले में तेजी नाल वाधे दे कारण देश के 15 राज्यों अते दिल्ली दे विच सेहत विभाग के बुनियादी रूप से अचानक भार वध गया है। इस तरह के नाल अधिकारियों ने कोविड हस्पतालों की वधेरे गिनती का भंडारण शुरू कर दिता है ते लोकां दी आवाजाई ते वधियां पाबंदियां तो इलावा डॉक्टरी सप्लाई की किसी भी घाट नूं दूर करने के लिए कदम चुके जा रहे हैं। कोरोना की दूजी लहर ने पूरे देश विच खलबली मचा के रख दी है, इस नाल पूरे देश विच महाराष्ट्र की स्थिति हद नालों वध खतरनाक हुंदी जा रही है। पर इस तो इलावा राज निरंतर टीकाकरण दे नाल कोरोना वायरस दे नाल जंग लड़ रहा है। राज दे सेहत विभाग ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस दी बीमारी विरुद्ध टीके दियां 10 मिलियन तो वध खुराकां देण वाला देश का पहला सूबा भी बन गया है। महाराष्ट्र के सेहत विभाग के प्रमुख सकत्र डॉक्टर प्रदीप व्यास ने दस्या है कि 11 अप्रैल तक राज विच 1,39,000 खुराकां दित्तियां जा चुकियां हैं, जो कि हुण तक देश दे विच सब तो वाधा आंकड़ा है। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत की याद दवाण वाला चंद्रमा ऐतवार शाम नूं सऊदी अरब दे विच नहीं वेख्या जा सकया। रमजान का महीना मंगलवार 13 अप्रैल तो शुरू होगा। खबर लिखे जाने तक खबर सी कि चंद्रमा दर्शन समिति फिर तो बैठक करेगी ते चंद्रमा वेखे जाने की पुष्टि करेगी। इसके नाल ही जेकर खगोलिक गणना की मनिए पवित्र महीना यूएई दे विच मंगलवार 13 अप्रैल तो शुरू होने की संभावना है। तुहानू दस दईए कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। सारे विश्व के मुस्लिम भाईचारे के लोग इस महीने के सवेर तो लेके शाम तक रोजे रखते हैं, फिर इफ्तार तो बाद विशेष नमाज अदा की जाती है। बीती रात कोलकाता की टीम एक बार फिर सुपर ओवर विच मैच जीत गई है, जदों कि टीम बार हार गई है। अदाकार शाहरुख खान के केकेआर के मालक ने उन्होंने जीत तो बाद टीम नूं अपनी 100वीं जीत ते वधाई दी है ते लिखा है कि कोई भी केकेआर नूं जीतण तों नहीं रोक सकता, 100वां मैच जीतण दे लई वधाई। चीन तिब्बत दे विच एक विशाल बंद बनाउण दी योजना बना रहा है। यह चीन की यांगसी नदी के बने 3 बंदा दे नालों बेहद वड्डा होगा। चीन नूं खपत दे लई जिन्नी बिजली मिलती है उस तों 3 गुणा ज्यादा बिजली पैदा करेगा। इस करके भारत दे विच भी चिंता वेखी जा रही है। इस दे नाल चीन ब्रह्मपुत्र नदी दे पानी नूं हिमालय दे इलाकियां अते भारत दे विच वहन तों पहलां कंट्रोल करन दी कोशिश करेगा। यह प्रोजेक्ट तिब्बत दे मैडो काउंटी विच शुरू होवेगा अते केंद्रीय चीन विच यांगसी नदी ते बने 3 जॉर्ज बन नालों कई गुणा वड्डा भी होवेगा। इस विच हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा करन दी समर्था होवेगी। दस दईए कि यालुंग जांगपो नदी तिब्बत तों वहदे हुए ब्रह्मपुत्र दे रूप दे विच भारत दे विच दाखल हुंदी है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।